नमस्कार, कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से देखें और समझकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यमुना नगर हरियाणा के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों पर अब सरकार मेहरबान होने जा रही है। दरअसल कोरोना काल के दौरान स्कूल तो बंद है, पर घर बैठे विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन या टैब नहीं है। ऐसे छात्रों के लिए अब हरियाणा सरकार निःशुल्क टैब देने पर विचार कर रही है। यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो अगस्त सितंबर में स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें सर्दी की छुट्टियां समाप्त कर दी जाएगी। शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में दो दो घंटे अतिरिक्त क्लास लगाकर सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 26 जुलाई तक छुट्टियां हैं, बाकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू एजुकेशनल अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल।